हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कॉस्ट अकाउंटिंग का, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में है और मई 2022 में आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत थ्योरी है, मीनिंग, नेचर, स्कोप वगैरह, और फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपको कॉस्ट शीट किस तरह से बनाई जाती है वो सब चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा सेकेंड यूनिट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड मटीरियल, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटीरियल एंड लेबर। कॉस्ट के अंदर मटीरियल एंड लेबर अकाउंटिंग जो होती है, फीफो लिफो मेथड वगैरह, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और टाइम कीपिंग वगैरह सब कुछ है। यूनिट थ्री आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ओवरहेड, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन, अलोकेशन, अप्रोप्रिएट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन वाला है इसमें, और कैपिटल लेवल है, कॉस्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम इन कॉस्टिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिकिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, जो भी कुछ आइटम्स होती हैं उसका कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसमें होगी। यूनिट फोर में आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग होती है, जिसमें आपका यूनिट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉसेस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बट एक्सक्लूडिंग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सर्विस कॉस्टिंग है। और यूनिट फाइव में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम है, जिसमें आपका रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, और थोड़ा इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू इसका सिलेबस का। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर फोर का। यहाँ पर आपको आंसर या तो पूरा इंग्लिश में लिखना है या पूरा हिंदी में लिखना है। जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं वो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। कैलकुलेटर आपको इसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर वन जो है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और बी पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर एंड वेस्ट एंड स्क्रैप। तो क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट हैं, ठीक है। थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर वन, जिसके दो पार्ट हैं ए एंड बी। यूनिट वन में से ये थ्योरी उठकर आई है। आप थ्योरी अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड होगे यूनिट वन में, तो आप क्वेश्चन नंबर वन का थ्योरी पार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जितने भी हैं, तो हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। जैसे हम क्वेश्चन वन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट हैं। या तो आप ये दोनों अटेम्प्ट करोगे, या फिर अथवा करके और करके दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह सा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट विद सुटेबल एग्जांपल। यानी कि जो ए पार्ट है और करके, जो कि 5 मार्क्स का है, उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल के साथ। और इसका जो बी पार्ट है जो कि 10 मार्क्स का है, इसमें कुछ मटीरियल का डाटा गिवन है, लाइक कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, तो कुछ डाटा गिवन है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट फ्रॉम द अबव री ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। तो कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कैलकुलेट करनी है बी पार्ट में, ठीक है। अच्छा, तो बी पार्ट कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम। अगेन क्वेश्चन नंबर टू में इंटरनल चॉइस ज़रूर से होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर टू जो है उसका तो पहले ए पार्ट हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें है कि आ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर ए एंड बी, एंड देन टू फिनिश स्टॉक। इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज अकर्स इन द प्रोसेस इज एस अंडर। तो एक प्रोडक्ट है, उसमें प्रोसेस ए और प्रोसेस बी होता है, बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग है ये, ठीक है। प्रोसेस ए में 5% जो होती हैं यूनिट वो, और प्रोसेस बी में 10% जो यूनिट होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। बाकी स्क्रैप वैल्यू जो होगी वेस्टेज की, प्रोसेस ए में वो 8/100 यूनिट्स हैं और प्रोसेस बी में 10/100 यूनिट्स हैं। और प्रोसेस की जो फिगर्स हैं वो कुछ इस तरह की आपके सामने की बने, मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह दोनों प्रोडक्ट की,
इसके अलावा यहाँ पर है 5000 यूनिट्स वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग रुपीज़ 2500, ठीक है, 2500 रुपये की 5000 यूनिट प्रोसेस ए में परचेस करी गई। आउटपुट जो हुआ वो प्रोसेस ए 4700 यूनिट और प्रोसेस बी 4150 यूनिट। आपको फाइनली क्या करना है, प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल अदर रिलेवेंट अकाउंट्स। तो प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना है, उसके साथ साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनते हैं इस प्रोसेस अकाउंटिंग में वो आपको बताना है, और कॉस्ट ऑफ आउटपुट आपको इसमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ए पार्ट, जो कि कितने मार्क्स का है, प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो कि है आपका 10 मार्क्स का। अगेन बी पार्ट जो है इसमें वो थ्योरी है, जिसमें आपको इंटीग्रल अकाउंट्स के एडवांटेजेस बताने हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी और पार्ट की, और पार्ट में जो है उसके साथ उसका जो ए पार्ट है अगेन 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशन बतानी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। और इसका जो बी पार्ट है उसमें कुछ इस तरह से है कि अ मैन्युफैक्चरर रिक्वायर 500 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट मंथली, दिस इज करंटली बीइंग परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एट ₹50 पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर इज ₹30 एंड द एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹4 पर पीस, व्हाट इज द इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्लेसिंग इन ऑर्डर, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ ईयर फॉर द कंपोनेंट एंड द टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स। बेसिकली एक डाटा आपको गिवन है, आपको इसमें बताना है कि इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी आप लोगों के लिए जो आपको ऑर्डर करना चाहिए। ऑल्सो आपको ये भी बताना है कि कितने ऑर्डर एक साल में आप प्लेस कर सकते हो और दो ऑर्डर के बीच कितना टाइम का डिफरेंस होगा। ये बी पार्ट है और वाले का, ठीक है, और ये बी पार्ट आपका 5 मार्क्स का है। अगेन सी पार्ट है इसका, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, बसेस कितनी हैं, कितने दिन ऑपरेट करता है एक महीने में, कैपेसिटी कितनी है हर बस की, वो सब चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर टोटल किलोमीटर रन्स निकालना है और टोटल पैसेंजर्स किलोमीटर्स निकालना है। ये 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आया वो एक तरफ तो ए और बी पार्ट है और करके इसके 3 पार्ट्स हैं 5-5 मार्क्स के। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, वो आपको फीफो एंड लीफो मेथड में डिफरेंस बताना है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है इसमें आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वर इशूड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹18,000, ठीक है, और बाकी यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड चार्जेस लिखे हुए हैं। 31 मार्च को 1500 यूनिट्स जो थे वो वर कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ऑन द रिमेनिंग 500 यूनिट्स विच वर इनकम्प्लीट डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग वॉज एज फॉलोज। यहाँ पे प्रोसेसिंग का लिखा हुआ है आपको, देयर वर नो वर्क इन प्रोग्रेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इवेल्यूएशन स्टेटमेंट एंड प्रोसेस अकाउंट। तो ये भी प्रोसेस अकाउंटिंग से आपका है बी पार्ट इसका, जो कि बी पार्ट जो है आपका वो आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट वाले क्वेश्चन में। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, फाइनेंशियल अकाउंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट आर अवेलेबल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट रिवील डिटेल मटेरियल कंजम्पशन ₹2,80,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस गिवन है। आपको क्या करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट बनानी है रिकंसिडरिंग द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये जो पूरा क्वेश्चन आपका आया है, ये पूरा क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आया है, ठीक है, ये और पार्ट में जो क्वेश्चन आया है 15 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लेबर टर्नओवर, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर एंड इट्स मेथड। 6 मार्क्स का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है, और बी पार्ट जो इसका है उसमें कुछ डिटेल्स गिवन है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपको अज्यूमिंग 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। कुछ डिटेल गिवन है आपको, हर पैसेंजर से कितना बस फेयर चार्ज किया जाएगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी और वाले सेक्शन की, जिसमें आपका ए पार्ट जो है 6 मार्क्स का है, जिसमें आपको व्हाट इज़ आइडियल टाइम और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आइडियल टाइम एंड हाउ शुड आइडियल टाइम वेजेस बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, थ्योरी है अगेन। और बी पार्ट जो है आपका, एक्स लिमिटेड हैज़ अंडरटेकन द, कुछ यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और नीचे जो आपको आना है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट बनाना है आपको, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट बनाना है और शो हाउ इट विल अपेयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किस तरह से अपेयर होगा वो बनाना है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है उसमें आपको कोई दो एक्सप्लेन एनी टू परसेंटेज मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ए पार्ट 5 मार्क्स का है। उसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है वो न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा थ्योरी भी काफ़ी इसमें आ रही है, अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आप इसमें पास हो सकते हो इजीली। न्यूमेरिकल भी करना है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं करना, लेकिन थ्योरी आप हर एक यूनिट की करके जाओगे तो हर एक क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो थ्योरी वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का ज़रूर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की वेजेस कितनी होती हैं, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस भी दे रखे हैं दोनों डिपार्टमेंट के। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब एंड द प्राइस फॉर द जॉब टू बी गिवन, जॉब टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, कुछ कॉस्ट वगैरह इसमें आपको निकालनी है सो दैट आपका जो प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस पे वो 20% हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में जो और करके क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है, हाउ आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, ये आपको बताना है। और इसका जो बी पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट मशीन आवर रेट, आपको मशीन आवर रेट निकालना है, कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन गिवन है, कुछ आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।